हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ श्याम सिंगा राय मूवी को। यह मूवी आई थी 24 दिसंबर 2021 को और यह एक तेलुगु मूवी है। और इस मूवी में मेन रोल में नजर आए हैं नानी, कीर्ति शेट्टी और साई पल्लवी। और इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दिया है 10 में से 7.9। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होता है जहां अपना हीरो नानी, जिसका मूवी में वासुदेव नाम रहता है, और वह एक शॉर्ट फिल्म बनाता है। और उसका एक सपना रहता है कि वह एक डायरेक्टर बने, लेकिन उस पास बजट नहीं रहता है, इसलिए वह शॉर्ट फिल्म बनाता है ताकि वो प्रोजेक्ट को वो प्रोड्यूसर को दिखा सके और एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ ले सके। तब वह शॉर्ट फिल्म शूट करने के लिए एक ऑडिशन लेता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को बुलाता है, लेकिन कोई उसको पसंद नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ पे एक वह लड़की को देखता है, जिसको वह देखता है और अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए पसंद कर लेता है। लेकिन वह लड़की को एकदम मूवी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता, यहाँ तक कि वह मूवी तक नहीं देखती है। तो अपना हीरो नानी जब उससे बात करने के लिए जाता है कि मेरे शॉर्ट फिल्म में काम कर लो, तो वह बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और वह वहाँ से चल जाती है। लेकिन अपना नानी उसका पीछा करता है, बार बार बोलता है, फोर्स करता है, तो वह मान जाती है। इस लड़की का नाम रहता है कीर्ति। और फिर वह शॉर्ट फिल्म बनाने लगता है और शॉर्ट फिल्म कंप्लीट करता है, लेकिन इसी बीच दोनों में प्यार हो जाता है। इसके बाद इन दोनों का प्यार आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दिन में इन लोगों का झगड़ा हो जाता है। काहे कि जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो नानी, जो कि वासुदेव नाम रहता है, वह उसके सामने एक लड़की का नाम लेता है, रोजी। दरअसल यह नानी का दूसरा जन्म रहता है, और जो इसका पहला जन्म रहता है उसका नाम रहता है श्याम सिंगा रॉय। और ये जो श्याम सिंगा रॉय है, वो बार बार नानी के शरीर में आते रहता है। यानी टाइम टू टाइम वह उसके शरीर में आते रहता है और कुछ ना कुछ करवाते ही रहता है। और उसके शरीर में घुसने के बाद नानी को कुछ याद नहीं रहता, यानी वासुदेव को कुछ याद ही नहीं रहता। और श्याम का एक पत्नी रहता है जिसका नाम रहता है रोजी, और इसी का नाम लेने की वजह से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। इधर नानी का शॉर्ट फिल्म कंप्लीट होता है तो वह प्रोड्यूसर को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, यानी शॉर्ट फिल्म दिखाता है, तो उसको प्रोजेक्ट काफी पसंद आता है। तो वह एक मूवी के लिए, मूवी डायरेक्ट करने के लिए नानी को स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोलता है। लेकिन जब वह स्क्रिप्ट लिखता है तो उसके शरीर में श्याम का आत्मा घुस जाता है, और वह अपना जो बैक स्टोरी रहता है वो स्टोरी सेम टू सेम उसका हाथ में लिखवा देता है। और जब वो स्क्रिप्ट वो प्रोड्यूसर को दिखाता है तो उसको स्टोरी काफी पसंद आता है, और उसके ऊपर वासुदेव को फिल्म बनाने के लिए बोलता है, और वह उस फिल्म को बनाने में लग जाता है। और फिल्म कंप्लीट होता है, काफी पॉपुलर, काफी हिट हो जाता है वो फिल्म, सबको काफी पसंद आने लगता है। तो फिर एक कोई आदमी आता है और उसके ऊपर कॉपीराइट का मुकदमा ठोक देता है। यह आदमी रहता है श्याम सिंगा राय का दोस्त। इसको याद रखिएगा, यह एक मेन कड़ी है और यह इसका दोस्त बूढ़ा हो चुका है। फिर कीर्ति अपना बहन को लेके आती है वासुदेव का केस लड़ने के लिए, कहे कि उसके पास तो कॉपीराइट का केस ठोका गया है, उसका केस लड़ना पड़ेगा, इसलिए वह अपनी बहन को वासुदेव का केस लड़ने के लिए बोलती है। फिर कीर्ति को शक होता है कि वासुदेव के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो वह वासुदेव को एक लेडी के पास लेके जाती है, जो कि हिप्नोटाइज वगैरह करके उसके अंदर का जितना भी बात रहता है सब वह निकलवा लेती है, हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं। और वह वासुदेव से सवाल करती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, उसका हिस्ट्री, बैक, प्रेजेंट सब पूछती है। लेकिन तभी श्याम का आत्मा वासुदेव का अंदर आ जाता है। आत्मा बोलो या पुनर्जन्म का याददाश्त, क्योंकि ये श्याम सिंगा राय मर चुका होता है। उसके बाद वासुदेव का अंदर जो श्याम का आत्मा रहता है या फिर उसका याददाश्त जो भी रहता है, वो अपना स्टोरी बताता है, जो 19वीं सदी का स्टोरी रहता है, जो अपना खुद का स्टोरी रहता है, वह स्टोरी उसको बताता है कि उस समय पूरा गाँव में या फिर पूरा मोहल्ला में या फिर समझ लीजिए पूरा समाज में ही एक ऊंची जाति नीची जाति यानी भेदभाव का तरह देखा जाता है, यानी सबका उस समय वैसे ही मानसिकता हुआ करता था। लेकिन ये जो श्याम रहता है उसका मानसिकता अलग रहता है, वो किसी को भेदभाव की नजर से देखता नहीं है, और इसी वजह से पूरा गांव वाला यानी यहाँ तक कि उसका घर वाला भी उसको पसंद नहीं करते, उसकी विचारधारा को पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके परिवार वाले भी ऊंची जाति नीची जाति ये सब मानते हैं। और इसी बीच श्याम सिंगा के जो भाई भैया रहते हैं, उसका एक बड़ा भाई रहता है, उसका एक बीच वाला भाई रहता है, यानी वो लोग तीन भाई रहते हैं, और श्याम जो रहता है वो सबसे छोटा रहता है। तो सबसे बड़ा वाला जो भाई रहता है उससे लड़ाई हो जाता है, और वह वहां से कलकत्ता आना चाहता है ताकि वह राइटर बन सके, उसको राइटिंग का बहुत ही शौक रहता है। तब वह कलकत्ता जाने से पहले एक मंदिर में जाता है, जहाँ पे वो मूवी का हीरोइन को देखता है, साई पल्लवी, जो कि मैत्री नाम रहता है, लेकिन उसको एक प्यार से नाम बुलाता है रोजी। और वह एक अनाथ रहती है और वह एक मंदिर में रहती है, और वहाँ के साधु के शरण में वो लोग रहती है, और भी बहुत लोग रहती है, बहुत लड़की लोग रहती है, और वही उसका गुजर बसर होता है। लेकिन वहाँ का जो साधु रहता है ना, वो काफी हरामी रहता है, वह उन सभी का फायदा उठाता है और उन सभी को अपने साथ एक करके रखता है, यानी भगवान का नाम लेके, भगवान का नाम का फायदा उठाता है वो। अभी वहाँ वह रोजी को देखते ही उससे प्यार करने लगता है, उसे पसंद करने लगता है, और उन लोगों का धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ का जो साधु रहता है वो एक बच्चे से गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपना हीरोइन रहती, जो रोजी रहती, वो उसे रोक लेती है, और रोकने की वजह से ही वो साधु उसे बहुत मारता है। और जब ये बात पता चलता है श्याम को, तो आता है वो साधु को
जान से मार डालता है और वह रोजी को अपने साथ कलकत्ता लेके आता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और जो श्याम रहता है वो एक न्यूज़ फैक्ट्री में जाके काम करता है और वहाँ पेपर छापने का काम करता है, साथ में वह किताब लिखने का भी काम करने लगता है। तब उसका जो किताब रहता है वो काफ़ी फेमस हो जाता है और टाइम बीतते जाता है, उसका किताब फेमस होते जाता है और फिर वह अमीर बन जाता है। फिर श्याम को उसके भाई लोग अपने घर बुलाते हैं कि आओ भाई, उतना दिन से मिला नहीं है, आओ थोड़ा घर आओ, हमसे मिलो जुलो। और वह श्याम को बुलाने उसके दोस्त को भेजते हैं, उसके दोस्त के थ्रू वह लोग बुलवाते हैं। और जो रोजी रहती है वह उसे जाने नहीं देती है, बोलती है हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो जो श्याम रहता है वो बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर वह वहां से निकल जाता है। फिर जब श्याम अपने दोस्त के साथ घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक शॉर्ट स्टोरी लिख के देता है, या वही स्टोरी रहता है जो कि शुरू में वासुदेव जो शॉर्ट फिल्म बनाता है सेम टू सेम वही स्टोरी रहता है। फिर श्याम जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके दोस्त को वो लोग कुछ काम से बाहर भेज देते हैं और धोखे से वो लोग दोनों भाई मिलके श्याम को चाकू मार देते हैं और श्याम वहीं पे मर जाता है। वो लोग उसको इसलिए मारते हैं क्या कि उसकी जो सोच रहती है वो गांव लोग पसंद नहीं रहता, वो जो कारनामा किया हो रहता है उसके वजह से गांव वाला में काफी बदनामी होता है उसका, इसलिए वह मार देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट में एक कोर्ट में फिर केस चलता है, वही केस जो कॉपीराइट के उल्लंघन वाला मामला रहता है। वहीं पे श्याम का दोस्त आता है और कॉपीराइट का जो केस रहता है उसको वापस ले लेता है। ये कॉपीराइट का केस श्याम का दोस्त ही करता है और वह वासुदेव को देख के पहचान लेता है कि यही श्याम है, यही शॉर्ट फिल्म का वजह से। क्या कि यह शॉर्ट स्टोरी वह अपने दोस्त को ही देता है और किसी को नहीं देता है। और जब वह पर्दे पे वो शॉर्ट फिल्म को देखता है तो पहचान जाता है कि यही श्याम है या दूसरा जन्म लेके आया है। फिर वह बताता है कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और अभी भी उसका वेट कर रही है और मैंने उसको एक घर में रखा है। तो वासुदेव उससे मिलने के लिए जाता है, जैसे ही मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वहीं पे जो रोजी रहती है वह वासुदेव का गोद में सर रख के वहीं पे मर जाती है, यानी वो काफी बूढ़ी हो चुकी होती है यार। और मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह मूवी और ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना यार। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।